नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा खुसखुस, जो डाइटिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। हम इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज़ करेंगे, टेस्टी होने के साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। देख लेते हैं खुसखुस बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। एक बड़ी बॉल हमने खुसखुस की ली है और एक छोटी बॉल बेबी कॉर्नस ली है, स्वीट बेबी कॉर्नस। और साथ ही हमने दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है, दो प्याज मीडियम साइज़ के जिसको हमने बारीक काट के लिया है, टमाटर दो जिसको हमने बारीक काट के लिया है, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, आधा इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट के लिया है। चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। गैस ऑन करके हमने इसके लिए एक पतीला रखा है, उसके अंदर हम खुसखुस डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर डेढ़ बॉल के करीब पानी डाल देंगे। जिस बॉल से हमने खुसखुस ली है उसका हम डेढ़ बॉल इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती है। मीडियम आँच पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। आधी चम्मच नमक डालेंगे और एक चम्मच के करीब हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल देंगे और अच्छे से हम इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और बढ़िया से हमें इसको पकाना है। पहले ढक्कन लगाकर लगभग हम इसको 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर रख देंगे ताकि ये बढ़िया से खुसखुस पक जाए। 2 मिनट बाद चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए, हमारी खुसखुस अच्छे से पक कर तैयार है। गैस को हमने बंद कर दिया है और पतीले को उतार के साइड पर रख देंगे। गैस के ऊपर हम एक कढ़ाई रखेंगे क्योंकि हमें इसको तड़का लगाना है जो सब्जियां लिए हैं। कढ़ाई के अंदर हम 3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। हम इसके लिए ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इससे। आधा चम्मच हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। जीरे को हम हल्का सा पकने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर अदरक डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे। सारी चीज़ों को हल्का सा हम फिर से स्टर करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हम 1-1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। लगातार चलाते हुए हमने प्याज को 1-1.5 मिनट के लिए भून लिया है। प्याज जो है हमारे अच्छे से भूनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डालेंगे। आधी चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है। आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जा क्योंकि हमने इसके अंदर पहले भी जो खुसखुस उबाली थी उसके अंदर भी हमने नमक डाल दिया था। आधी चम्मच हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आधी चम्मच हम किचन किंग मसाला इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे। कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटरों के डालने के बाद हम सारी जो सब्जियां हैं वो भी इसके अंदर साथ में ही डाल देंगे। टमाटरों के साथ ही हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। हमें शिमला मिर्च और टमाटर को 1 मिनट के लिए दोनों को पका लेना है, उसके बाद ही हम इसके अंदर बेबी कॉर्न डालेंगे। जी हमारे टमाटर और शिमला मिर्च अच्छे से पक चुके हैं, हमें इनको ज़्यादा नहीं पकाना, इतना ही कि ये हल्के सॉफ्ट हो जाएं। जी हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसके अंदर बेबी कॉर्नस डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। कॉर्नस डालने के बाद हमने इसको अच्छे से 1 मिनट तक पका लिया है। हमारी ये सब्जियाँ पककर तैयार है। अब हम इसके अंदर खुसखुस डालेंगे। सब्जियों के अंदर हमने खुसखुस डाल दी है और अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसको मीडियम आंच पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। खुसखुस तो पहले ही पककर तैयार है, अभी हमें इसको मिक्स ही करना है। खुसखुस डालकर हमने बढ़िया से इसको मिला लिया है। हमारी ये खुसखुस बहुत ही टेस्टी सी बनकर तैयार है। आप इसके अंदर अगर खट्टा और ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसके अंदर आधे नींबू का रस निचोड़ कर डाल सकते हैं, उससे ये खुसखुस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हमने इसके अंदर नहीं डाली है क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर डाले थे। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। चलिए अब हमारी खुसखुस बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको गर्मा गर्म परोसते हैं। हमने इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी सी खुसखुस बनी है। ये खुसखुस वाली रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। साथ ही में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।